नमस्कार प्रणाम, मैं रोहित मिश्र और आप देख रहे हैं जेबीवी ब्लॉग। तो दोस्तों मैं बता दे रहा हूँ, कभी मैं असम राइफल का रिटर्न एग्जाम देने पहुँचा हूँ और पहुँच कर एग्जाम मैंने दे दिया और यहाँ से अब बाहर निकाला जा रहा है और बहुत सारे बच्चे हमारे जितने भी दोस्त कैंडिडेट दोस्त हैं सब बाहर आ रहे हैं और उन लोगों से भी बातचीत करता हूँ और बताऊँगा कि कैसा क्वेश्चन पेपर था, मतलब 2021 की अपेक्षा 2022 वाला कितना टफ था या इजी था। तो बहुत सारे लड़के आ रहे हैं और बहुत सारे बता भी रहे हैं और उसके बारे में जानकारी दूंगा कि कौन से स्टेट का कितना कट ऑफ जाना चाहिए, क्योंकि जिस हिसाब से जो क्वेश्चन था उस हिसाब से मैं आपको बताऊंगा कि किस स्टेट से मतलब कैसा कट ऑफ जाना चाहिए, कितना तक कट ऑफ हो जाना चाहिए, कितना लड़के को मेडिकल में बुलाएगा, कितना लड़के क्वालिफाई होंगे रिटर्न टेस्ट के लिए और कितने मेरिट तक मतलब जाएंगे। तो सब सारी डिटेल्स मैं आपको इसी में दूंगा, ऐसा नहीं है। तो चलिए चलते उस सब लड़के सबसे बातचीत। कैसा गया क्वेश्चन आप लोग का? बढ़िया था भाई, पेपर बढ़िया ही हुआ, बट पेपर पहले के अपेक्षा बहुत हार्ड था, टू मच हार्ड। इसमें 2021 के अपेक्षा मेंसुरेशन पूछा था, टोटली मेंसुरेशन था, टोटली इंग्लिश था, सब वन वन सब इसमें एकदम दबा करके था। क्लरिकल एप्टीट्यूड का कितना आना था ना, ये एक्चुअल फिगर में पता नहीं था, लेकिन वो इंग्लिश का ही था, लेकिन क्लरिकल एप्टीट्यूड ऐसा होता नहीं। नहीं ऐसा नहीं होता, रीजनिंग भी दिया था उसमें, क्लरिकल एबिलिटी होता है, केमिस्ट्री और कंप्यूटर का भी क्वेश्चन, रीजनिंग क्लरिकल एबिलिटी वाला जो क्वेश्चन होता है ना, उस टाइप का क्वेश्चन हमने कर रहे थे प्रीवियस ईयर में, लेकिन इस बार तो पूरा भाई गेम चेंज है। ठीक है, इनको बुरा लग गया, अलग है भाई, बुरा लग गया कि पिछले बार में जो हम लोग मजाक उड़ा दिया क्वेश्चन का, पूरा इजी था, सुना पता चला होगा, इसलिए थोड़ा लेवल अप कर दिया होगा इस बार क्वेश्चन का। क्या लग रहा है रिजल्ट आएगा आप लोग का? उम्मीद तो है, उम्मीद है। कितना टच किए हैं? लगभग 65 तक सही होंगे। अच्छा 65, कट ऑफ कितना ले जाना चाहिए आपको, क्या पता है? कौन से स्टेट से हो? झारखंड। आप मेरा, आप कौन से? उत्तर प्रदेश। ये हमारे दोस्त हैं, क्या नाम है आपका? पुष्कर यादव। पुष्कर यादव जी, जी तो आप यादव हैं? जी हाँ, हम हाँ हम यूपी के हम यूपी के चंदौली जिले से यहाँ भर्ती होने के लिए आए हैं असम राइफल क्लर्क में। कैसा गया पेपर आपका? पेपर क्या बताएं कैसा गया, आपको कुछ पूछे क्वेश्चन वगैरह तो हम बताएं आपको। क्वेश्चन क्या पूछे बताइए, मैंने बताइए क्वेश्चन कैसा था, किस लेवल का था? क्वेश्चन मॉडरेट था, मॉडरेट क्वेश्चन था, कुछ जगह परेशानियां थी, कुछ जगह हो जा रहा। कैसा था क्वेश्चन? क्वेश्चन बहुत बहुत हार्ड क्वेश्चन था, हम लोग उम्मीद नहीं किए थे कि इस टाइप का हार्ड क्वेश्चन आएगा। हाँ, उम्मीद से ऊपर था, पूरे ऊपर से निकल गया। हम लोग तैयारी करके आए थे अच्छे से, लेकिन पेपर जिस टाइप में तैयारी थी नहीं आया और टाइम मैनेज नहीं हो पाया। हाँ टाइम मैनेज। मैथ का क्वेश्चन एकदम हार्ड था भैया, एकदम हार्ड। मेंसुरेशन वो सीजीएल लेवल का दे रखा था, सीजीएल का एक बार दिए हैं हम, सीजीएल का 2018 में दिए थे। हाँ हाँ। तो बताइए कैसा, मतलब असम राइफल के बहाली आप लगा भर्ती? अब क्या बताएं, इधर आना कोई वो नहीं है, आप अपने तरफ यूपी पुलिस देख लो, एसएससी 10+2 देख लो, रेल देख लो, लेकिन असम राइफल के बहाली में अब मैं नहीं आऊंगा। रेल भर्ती बोर्ड? हाँ रेलवे भर्ती बोर्ड, नहीं नहीं रेल भर्ती बोर्ड ग्रुप डी NTPC। हाँ नहीं क्वेश्चन बहुत हार्ड था सर, क्वेश्चन बहुत हार्ड था, हम लोगों ने उम्मीद नहीं किया था कि ऐसा क्वेश्चन आएगा। अब बहुत सबसे पहले मैं आपका चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जो आप यहाँ पर इंटरव्यू लेने के लिए एवं एग्जाम देने के लिए आप आए हैं, लेकिन एग्जाम में सबसे मतलब ये कहना चाहूँगा कि मतलब कि एग्जाम का लेवल बहुत ही टॉप था, जो कि इसमें जो था कि एग्ज़ाम एग्ज़ाम जो था इसमें एडवांस लेवल का मैथ था, ठीक ना, और रीजनिंग था बहुत ही मतलब इजी था, और इसके बाद क्लरिकल एप्टीट्यूड से भी क्वेश्चन दिया गया था जो कि मतलब रीजनिंग ही जैसा है, और एडवांस मैथ में बहुत ही मतलब हार्ड था, मतलब एक मीडियम होता है लेकिन मीडियम नहीं था, जो कि मतलब बहुत ही हार्ड था, यही है क्वेश्चन का मतलब टोटल। और बोलिए कुछ पूछना। एग्जाम से संतुष्ट तो नहीं है, लेकिन मतलब उम्मीद है मतलब कि आने के लिए, देखिए अब रिजल्ट आने अब देखिए अब क्या होगा, अब तो आने के बाद ही पता चलेगा, 10 दिन के बाद पता चलेगा। लग रहा है कि परिश्रम का फल मीठा होता है। वो तो सभी को मालूम है परिश्रम का फल मीठा होता है, लेकिन
परिश्रम करके तो सभी आए हैं, लेकिन एग्जाम एग्जाम का रिजल्ट आने के बाद नहीं पता चलेगा कोई कितना से बिलोंग करते हैं। प्रयागराज से जी, हाँ ये बैग में मतलब मोड़ के रखा हुआ था, ये रख के रखे ग्राउंड में, थोड़ा सा नॉर्मल आ गया था। क्वेश्चन तो मतलब इजी एंड हार्ड था, इजी एंड हार्ड, हाँ थोड़ा सा इजी था, मॉडरेट नहीं नहीं मॉडरेट तो नहीं था, नहीं नहीं ऐसा कोई बात नहीं, गलत। और हमारे साथ साथी जुड़ गए हैं, कहाँ भाग रहे हैं जी? बोल 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 क्या नाम है आपका? नाम प्रशांत शर्मा। कहाँ के रहने वाले हैं? यूपी बुलंदशहर। यूपी बुलंदशहर, हाँ। अच्छा, किस ट्रेड के लिए हैं? ट्रेड रेडियो ऑपरेटर का, 17 तारीख का सुखोई। अच्छा सुखोई में, हाँ। तो आप यहाँ अभी जाना है आपको सुखोई? हाँ अभी कल जाना। अच्छा, तो आपको पेपर देना दिए नहीं अभी? ना आज क्लर्क वाले बच्चों का दिए हैं। हाँ। दो दो मजा मारने का। मेरा 17 का क्लर्क वालों के साथ है, भैया उसके साथ आया हूँ। अच्छा अच्छा, मेरा 17 का। और सब बताइए कैसे हैं? चलिए आपका तो एग्जाम है। बनारस वाले भैया खाई के पान बनारस होगा, और जुड़ गए हमारे साथी और हमारे दोस्त। तो कैसे रहा आपका पेपर? बढ़िया था, बढ़िया था। उम्मीद का दिया लग रहा है कि जगेगा? हाँ बिल्कुल 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 उम्मीद है। अच्छा, देखिए मतलब कि मैथ्स में पूरा मेंसुरेशन का था, तो मतलब कि मॉडरेट से था आपका, मतलब कैसा आएगा? मेरा मैथ, मेरा तो उम्मीद था कि आसान आएगा, लेकिन उससे ज्यादा आ गया। हाँ हाँ नहीं मतलब ऐसा उम्मीद था कि सारे चैप्टर से कुछ कुछ क्वेश्चन रहेंगे, कुछ अरिथमेटिक से रहेंगे, कुछ नहीं नहीं अभी नहीं 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 और सारे कैंडिडेट दोस्तों को आप जितना जानकारी लेना था और मैंने लिया, और आप लोगों को वीडियो के माध्यम से साझा भी करना चाहता हूँ कि देख लीजिएगा कट ऑफ किस तरफ से जाएगा। और हमारे कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताएगा आप लोग किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, बिलोंग करना चाहिए, इसलिए मैं बताऊंगा कट ऑफ किस स्टेट का कैसा जाएगा, ठीक है? बिहार का कितना जाएगा, यूपी का कितना जाएगा, झारखंड, ये हरियाणा, मतलब तमाम ऐसे जितने भी हमारे स्टेट से जितने लड़के आए हैं और दोस्त हैं उन सब का मैं बताऊंगा। क्योंकि देखिए मैं उतना एक्सपर्ट मैंने एक्सपर्ट नहीं है जानकारी देने के लिए, लेकिन तो भी जितना भी जानकारी होगा मैं बिल्कुल सटीक देना चाहता हूं। मैं मेरे वीडियो में, अगर मेरे ब्लॉग में आप लोग वीडियो अगर देखते होंगे, अगर मेरे सब्सक्राइबर होंगे आप लोग, तो आपको दिल से धन्यवाद देता हूं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।